प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा और मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी के अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों वाला ये केंद्र शासित प्रदेश दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया है। लक्षद्वीप में पर्यटन विकास के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू भी हो गया है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और इसके लिए सरकार ने प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत अगले 5 साल में लक्षद्वीप में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। साथ ही बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए बड़ा एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। अभी सबसे ज्यादा फोकस मिनिकॉय द्वीप को विकसित करने पर है और यहीं पर एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। साथ ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट की तैयारी भी की जा रही है। सरकार लक्षद्वीप में 360 से ज्यादा लगून विला विकसित कर रही है। ये अगाती द्वीप का खूबसूरत लगून बीच है और लक्षद्वीप अपने इन खूबसूरत बीचों के लिए ही जाना जाता है। यही यहाँ की सबसे ज्यादा खूबसूरती है। लक्षद्वीप प्रशासन ने केंद्र सरकार से एक और पानी के जहाज की मांग की है। साथ ही कोची के अलावा केरल के बेपोर पोर्ट और कर्नाटक के मैंगलोर पोर्ट से भी कनेक्टिविटी की मांग की जा रही है। लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती का पूरा देश कायल हो चुका है, लेकिन मालदीव इससे जल रहा है। और ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे और उसका वीडियो भी शेयर किया था। हम आपको बंगारम में उसी जगह पर लेकर आए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नॉर्कलिंग की थी और समंदर के अंदर के रोमांच को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यकीन मानिए कि जब आप यहां का दौरा करेंगे और इस जगह पर आकर घूमेंगे, कुछ वक्त बिताएंगे, यहां की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको अब विदेश पर किसी बीच पर जाने की जरूरत नहीं। स्कूबा डाइविंग के अलावा लक्षद्वीप के ये शांत द्वीप लोगों को खूब भा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसी बीच का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इसी बीच के किनारे एक कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तस्वीरें साझा की थी। पीएम मोदी की वो तस्वीर इतनी ताकतवर थी कि पूरी दुनिया में लक्षद्वीप के पर्यटन को लेकर चर्चा होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लोगों के मन से मालदीव जाने का ख्याल बदल रहा है। अब लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। लक्षद्वीप जाने का खर्च पॉकेट फ्रेंडली होने के चलते लक्षद्वीप अब लोगों की पहली पसंद बन गया है। यहाँ के सरकारी द्वीपों पर भी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने मालदीव का ट्राई किया था, बट मालदीव का बजट बहुत ज्यादा था। देन वी गॉट टू नो कि लक्षद्वीप भी अपना इंडियन एक आइलैंड है। उसका बजट चेक किया मैंने एंड इट्स काइंड ऑफ बजट फ्रेंडली। ये वही बंगारम द्वीप है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे और वक्त बिताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी के बाद मालदीव के बॉयकॉट की आवाज हर तरफ से उठ रही है। कई भारतीयों ने मालदीव जाने का टिकट कैंसिल करवाया तो कई सिने स्टार्स ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट किया। इन सब के बीच अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने मालदीव में शूटिंग रद्द करने की अपील की है। फेडरेशन ने सभी फिल्म निर्माताओं से मालदीव में अपनी शूटिंग और बुकिंग रद्द करने की अपील की। साथ ही एक प्रेस रिलीज जारी कर फिल्म निर्माताओं से भारत में लक्षद्वीप जैसी जगहों पर शूटिंग करने के लिए कहा। फेडरेशन ने फिल्म इंडस्ट्री से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को भारत का अपमान बताया और कहा कि इस समय देश के लिए एकजुटता दिखाने का है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग मालदीव और वहां की शूटिंग लोकेशंस का बहिष्कार करें। जी।